तो भाई साहब यहाँ पर लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से हमारे लिए कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेके आ जाइए। आज आज अभी अभी हाँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो देखिए फाइनली आपका पूरा कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का 75 अंकों वाला यहाँ पे आपको 3 घंटा समय वाला क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिना किसी डाउट के इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लो, पूरे 23 के 23 क्वेश्चन के देखिए आपको जो आंसर है ना एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको बता दूंगा। तो चलिए देखिए फटाफट आपका यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। आप किसी भी जिले से हो डाउट मत करिए, जैसा कि आपका यहाँ पे देखिए गणित के आपके 90% क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। अब आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल आपके पूरे 90 से आपका देखिए 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है सही विकल्प वाले आपको क्वेश्चन चुनकर लिखना है। 6 अंक आपका देखिए दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर में देखिए आपको 8 करना है। संसद के कितने आपके सदन होते हैं, उत्तर देखिए आपको 2 लगाना है। तीसरा देखिए लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा आपका जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसका है, आपका अब्राहम लिंकन का है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे दिया है 4 नंबर, उत्पादन क्रिया के प्रथम आवश्यकता क्या है, आंसर देखिए आपका पे भूमि करना है। 5वां देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, आपको आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है। 6वां नंबर देखिए इनमें से आपका स्थायी पूंजी कौन सी है, उत्तर देखिए आपको लगाना है आपका भूमि। ठीक है चलते हैं आपका देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा आपका महाद्वीप -- है। 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तर देखिए आपको एशिया करना है। भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है, आपका 18 वर्ष है। काल मार्क्स ने देखिए क्या लिखा था, आपका दास कैपिटल नामक ग्रंथ लिखे थे। इसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, आंसर आपको देखिए 5 वर्ष करना है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव चिन्ह देखिए कौन प्रदान करता है, तो आपका चुनाव आयोग आंसर कर देना है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, मौसमी बेरोजगारी -- क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तर आपको ग्रामीण करना है। वीडियो अच्छी लगे तो दिल से आपको वीडियो को लाइक करना है, जीत मिडिल क्लास आपको टॉपर बनाएगा। तो चलते हैं देखिए आपका फटाफट यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, चाहे आपका अर्धवासी को या फिर आपका फारसी को। देखिए सही आपके जोड़ी वाले क्वेश्चन क्या आते हैं, डॉक्टर नेल्सन मंडेला आपको मिला है दक्षिण अफ्रीका के थे, महात्मा गांधी के देखिए कहाँ के थे, भारत के थे, आंग सान सू की कहाँ की है, आपके म्यांमार की हैं। ठीक है और अब्राहम लिंकन कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और सुकरात थे आपका एथेंस यानी आपका ग्रीस के थे। और देखिए यहाँ पे आपका धारा, तो आपका देखिए आपका क्या होता है, किसी दस्तावेज का आपका खास हिस्सा। अब इसके बाद देखिए आपका एक शब्द फिर आपका एक वाक्य में उत्तर देना है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताना है, और आपका देखिए यहाँ पे देखिए भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। गोंडवाना भूखंड कहाँ है, देखिए आपका आंसर दक्षिण अमेरिका करना है। सामूहिक खेतों का आपको किस नाम से जाना जाता है, कालखोज आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी लंबी तटरेखा का आपका वाला राज्य कौन सा है, आंसर देखिए आपको पे गुजरात करना है। पृथ्वी के मध्य 0° अक्षांश को रेखा को किस नाम से जाना जाता है, आंसर देखिए आपको भूमध्य रेखा करना है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश का नाम देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है पश्चिम की बात कर रहा है। इसके बाद देखिए आपके सत असत वाले क्वेश्चन आते हैं। सत देखिए भारत के दक्षिण में क्या आपका हिंद महासागर है, आपका सत्य होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या आपका जमुना के नाम से जाना जाता है, आपका ये भी सत्य है। और लोकतंत्र में शासक का चुनाव देखिए आपका जनता करती है, आपका ये भी सत्य है। और भारत के आपका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपका ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है ये देखिए 4 क्वेश्चन आपके सत्य निकल चुके हैं। और भारत का संविधान क्या आपका 5 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तो देखिए आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पॉलिटिक्स के रचयिता काल मार्क्स क्या आपके देखिए यहाँ पे सुकरात हैं। चलते हैं आपका देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 6वां नंबर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का आपको नाम लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पूछा गया है, आंसर आप देखिए लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिंपल सा आपको आंसर कुछ नहीं करना है। देखिए आपका ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, और देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका पुदुचेरी। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अथवा का भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो आपको देखिए उत्तर में आपको अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव और म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, आपका श्रीलंका, आपके ये हो जाएंगे। इसके बाद देखिए
सातवां, भारत को विश्व में किस नदी आपके किन अन्य नामों से जाना जाता है और माना कि उत्तर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आपका भारतवर्ष, तो देखिए भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिल अल हिंद, गैगर, फग्युरन, तियानझू, आपका होड़ू आदि नाम से भी आपका जाना जाता है। इस बार देखिए आपको यहाँ पे ये आपको आंसर करना है। और देखिए इसके बाद आपका जो है यहाँ पे माना कि उत्तर क्या है, देखिए 82°30 आपका, देखिए 82° और 30° आपका यहाँ पे यमन उत्तर देशांतर को भारत का यह मानक यमन उत्तर भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में कितने वर्गों में बांटा गया, तो आंसर देखिए आपको यहाँ पे 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज, देखिए फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट में यानी आपको राज्यों में बांटा गया। अब इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका ये रहा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व से 3 आपके सिद्धांत दिए, बहुत सिंपल है। देखिए आपको आंसर क्या लिख देना है यहाँ पे, स्वतंत्रता, समानता और आपका बंधुत्व, बस आपको यहाँ पे पूरा आंसर करना है। इसके बाद देखिए खूनी रविवार की घटना क्या थी, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ देखिए तो आपको यहाँ पे 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन नेतृत्व में हजारों श्रमिकों का जुलूस आपका शांतिपूर्ण तरीके से निकला और महल के सामने मैदान में सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाई जिससे सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए। क्वेश्चन आपका देखिए 9 का आपका, अथवा पहला विश्व युद्ध कब से कब आपका लड़ा गया, उत्तर में देखिए आपको लिखना पड़ेगा पे 28। देखिए प्रथम विश्व युद्ध होने वाला यह वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर आपका 1918 तक चला, ये पूरा आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है 10वां, लोकतंत्र की परिभाषा, तो देखिए आपको लोकतंत्र की परिभाषा आपको यहाँ पे ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इस पर देखिए आपको लिख दीजिएगा, देखिए आपका ये रहा, लोकतंत्र शासन प्रणाली एक प्रकार की सरकार है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में आपका निहित होता है और जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व प्रणाली के आपके माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पूरा आपको आंसर ये लिखना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अथवा का 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम, तो देखिए आपको आंसर जो है यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, देखिए भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसी के साथ देखिए आपके यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली की बात कर रहा है, तो आपको इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है। संसदीय लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जहाँ सरकार के मुखिया और अपनी लोकतांत्रिक आपका वैधता विधायिका को बहुमत के आपके समर्थन को नियंत्रित करने के लिए उनकी क्षमता से मिलती है जिसके लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। सरकार का यह मुखिया आमतौर पर लेकिन हमेशा नहीं राज्य के औपचारिक प्रमुख से आपका अलग होता है। इसके बाद 11वां देखिए आपका यहाँ पे क्या है, संविधान सभा के 5 आपके सदस्यों के आपको नाम बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पे 5 सदस्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, आपका देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपके देखिए आपके आदि सभा के प्रमुख सदस्य थे। इसके बाद देखिए संविधान, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वयस्क मताधिकार क्या है, 12वां क्वेश्चन, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जाति, लिंग, धर्म, स्थिति, जातीयता आदि के बावजूद सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार आपका कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अथवा का देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, देखिए किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं के लिए भी आपका संविधान कानूनों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना इसके कार्य को निर्धारित करती है जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधार पूर्ति पर अधिकारों को परिभाषित और आपका सीमांकित करता है। इसके बाद देखिए आपका बेरोजगारी पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया, देखिए बेरोजगारी, तो शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ ऐसी बेरोजगारी है जिसको शिक्षा प्राप्त किए हुए युवाओं को रोजगार की प्राप्ति नहीं होना। शिक्षित रोजगारों में उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो एक विशेष शिक्षा की प्राप्ति की है लेकिन उन्हें रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ये आपका हो गया बेरोजगार की कैसा है, तो देखिए इसका आपको ऐसा लिखना है, इस संदर्भ में जहाँ सक्रिय रूप से रोजगार की इच्छा रखने वाला व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ है ये कहलाता है आपका देखिए बेरोजगारी, ठीक है। इसके बाद देखिए 15वां आता है जन्म दर और आपका मृत्यु दर पूछा गया, देखिए तो आपका जन्म दर क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या के माप को जन्म दर कहते हैं और मृत्यु दर देखिए प्रति 1000 लोगों पर प्रतिवर्ष होने वाली मौतों की संख्या को परिभाषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखिए आपका आता है रबी और खरीफ फसलों में आपको दो दो अंतर, तो देखिए पहला इसका आपका देखो मौसम जो होता है ना इसका आगमन आपका होता है शीत ऋतु के प्रारंभ में आपका तक चलता है और रबी फसल देखिए शीतकाल के प्रारंभ से शुरू होता है और आपका ग्रीष्मकाल तक आपका यहाँ पे आगमन तक चलता है। इस मौसम का समय देखिए जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है जबकि इसका देखिए आपका अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च या अप्रैल तक चलता है। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको देखिए आंसर यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और आपका सोन, ये आपके देखिए इसके प्रमुख सहायक नदी हैं। और इसी के साथ देखिए फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था की बात कर रहा है, तो देखिए आपको अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो फ्रांस के एक राजनीतिक विचारक, न्यायविद, दार्शनिक, इतिहासकार,
तथा उपन्यास थे, इनके बारे में आपको पूछा गया है। देखिए, और आपका यहाँ पे का देखिए, ये आपका हो गया ना, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था में कैसी थी। और आपका 16 का देखिए, आपका जो अथवा है यहाँ पे पूछा गया, देखिए आपका यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू की विषय के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए तो आपको देखिए 16 को क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ दिया गया था, इसका आपको जो आंसर था अथवा का, ये देखिए आपका ये रहा, ये आंसर आपको देखिए न्यायविद, दार्शनिक, इतिहासकार, उपन्यासकार कौन थे, राजनीतिक विचार आपका यहाँ पे कौन थे, मॉन्टेस्क्यू थे। कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद पर क्या विचार है, तो देखिए आपको यहाँ पे कार्ल मार्क्स का मानना है कि एक पूंजीवाद समाज में उत्पादन के साथ साथ जैसे कारखाने और मशीनों पूंजीपतियों के स्वामित्व में जो आपका माल का उत्पादन करने के लिए श्रमिक हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए 17 आपको देखिए द्वितीय इंटरनेशनल क्या है, तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपका द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बारे में पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो इस पर देखिए पूरा आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अपने प्रयासों में समन्वित करने वाले समाजवादियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का गठन किया जिसका नाम द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय यानी सेकंड इंटरनेशनल है। 18 देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे कार सील पूंजी किसे कहते हैं और पालमपुर में किन किन किसानों को खेती में आपका बचत होगा। देखिए 18 क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपको दिया गया है, यहाँ पे कार सील पूंजी एक महत्वपूर्ण वित्त स्रोत है जिसका संगठन दैनिक व्यय और आपका आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। आधुनिक व्यवसाय जगत में कार्यशील व्यक्ति पूंजी का भी संगठन में एक महत्वपूर्ण वित्त का स्रोत है जो अल्पकालीन के माध्यम से आपका संगठन की आपकी आपूर्ति करता है। इसके बाद देखिए आपका पालमपुर वाले क्वेश्चन का आपको आंसर जो है मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप इसे खुद से करके जरूर आंसर यहाँ पे टेलीग्राम में शेयर करिएगा, या फिर आपको देखिए कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के आपके बाद में रात में मैं आपको जो है टेलीग्राम में सभी के आपके आंसर जिनके नहीं मिले हैं उनकी मैं आपको देखिए आसानी से उपलब्ध करा दूंगा। तो जल्दी से जाना जीत क्लासेस इंडिया टेलीग्राम में सर्च करना, और आपका लगभग 38 से 39 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, और जाकर आप आसानी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 19वां आता है, 19वें क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई आपको दो कारण बताना है। देखिए आपको यहाँ पे आपका पूरा लिखा गया है, भूमध्य रेखा के आपका नजदीक है कन्याकुमारी, और जहाँ वर्ष भर में सूर्य की सिर आपका ऊपर चमकता रहता है जिससे दिन और रात अंतराल समय लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा अथवा का, देखिए कर्क रेखा भारत की जलवायु में महत्व है, कोई आपको दो लिखना है। देखिए भारत से कर्क रेखा नहीं गुजरती तो भारत की अक्षणीय स्थिति कुछ और होती, भारत की तापमान अलग होती, कर्क रेखा हिंद महासागर में हिमालय से मिले जुले प्रभाव आपका भारत में मानसून की वर्षा होती है, और इसी के साथ देखिए आपका अच्छी फसल हो पाती है जिससे इतनी विशाल जनसंख्या का भरण पोषण भी हो पाता है। इसके बाद देखिए अथवा का यहाँ पे दिया है, देखिए क्या दिया गया इसका आंसर मिल गया ना, 20वां देखिए, फ्रांसीसी समाज में किन किन तबकों का क्रांतिकारी सत्य छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अगर मैं देखिए इसके आंसर का, तो देखिए कुलीन और पादरी संस्था को छोड़ने के लिए आपका मजबूर होना पड़ा। 20 का देखिए आपका जो अथवा आपको यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया के लिए सबसे प्रांसिक क्रांति कौन सी आपका विरासत छोड़ गई, इसका देखिए आपको आंसर जो है पूरा आपको आंसर देखिए आपको 20 का अथवा का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21 देखिए, उदारवादी पर आपको टिप्पणी लिखना है, देखिए आपका उदारवाद पर यहाँ पे आपको पूरा टिप्पणी भी बताया गया है, आप अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर को कर लेना, ठीक है। ये रहा देखिए आपका उदारवाद, जो समाज में सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्र रहने के लिए अधिकार को दर्शाता है उसे कहते हैं एक राजनीतिक और आपका दार्शनिक दर्शन होता है, यही आपका होता है देखिए उदारवाद, ठीक है। तो आप इसे पूरा यहाँ पे फॉलो करिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बेरोजगारी के दुष्परिणाम, तो देखिए आपको आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको यहाँ पे आंसर आपका ये मिल जाएगा। देखिए मानव संसाधन निष्क्रिय रहते हैं और एक प्रकार का अव्यय होता है, उत्पादन की हानि होती है, निवेश अधिक के सृजन होने से कारण पूंजी निर्माण में आपका दर धीमी होती है, उत्पादकता का स्तर निम्न होता है, और इसी तरह देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता में कमी, संपत्ति के वितरण में असमानता बढ़ती जाती है, सामाजिक अशांति बढ़ती है, और अवस्था में वर्ग संघर्ष आपका पनपता है। 22वां देखिए, भारत में उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसके तीन बिंदु पर आपको यहाँ पे करना है क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे 22 का आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आपका ये क्वेश्चन 22वां रहा। इसके आंसर देखिए उपमहाद्वीप का, एक महाद्वीप ऐसा हिस्सा होता है जिनकी अपनी अलग पहचान होती है, भौगोलिक रूप से वह देखिए पूरे महाद्वीप में अलग थलग दिखता है, आपको देखिए ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में हिमालय है, और देखिए हिमालय के इस हिस्से में एशिया और देशों बिल्कुल अलग कर देता है, और दक्षिण और पश्चिम पूर्व दिशा में महासागर आपका है, ठीक है। तो इस पर देखिए पूरा आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दक्षिण भाई साहब आपका हिंद महासागर है, और पश्चिम में आपका अरब सागर है, और पूर्व में देखिए बंगाल की खाड़ी है। इसी कारण देखिए भारत में उपमहाद्वीप का एशिया दूसरे देशों में आपका थल मार्क नहीं होता है, और यही भौगोलिक परिस्थिति एक दूसरे का आपका एक महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसके लिए भी देखिए आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, यह हिस्सा एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा भर है, इसलिए इस हिस्से को भारतीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 23वां,
यहाँ पे आपको जो 22 का अगर अथवा देखिए हिंद महासागर में भारतीय केंद्र स्थिति का वर्णन 3 पॉइंट पर, तो देखिए आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 22 का अथवा का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। तो आप इसे पूरा आपको करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन 23वां, भारत में निर्धनता के क्या आपके कारण थे। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ देखो, तो पहले तो आपको अशिक्षा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अब तक जनसंख्या केवल 65% भागी साक्षर है। और इसी के साथ देखिए पूरा आपको आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए 23वां, भारत में निर्धनता के क्या कारण है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो आपको इसका आंसर तो हो ही गया है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसके बारे में आपको चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपको 23वां आपका यहाँ पे ये आपका रहा अथवा का, और इसका आंसर देखिए आपका यहाँ पे गारंटी अधिनियम 2005 जो है आपका यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 सितंबर 2005 में पारित हुआ। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन की सुनिश्चित आपका रोजगार का प्रावधान है। और ये विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के आपका 200 दिनों में आपका बाद में इसका योजना का विस्तार 600 जिलों में आपका किया जा चुका है। तो इस पर देखिए पूरा आपको आंसर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरे आपके 23 के 23 क्वेश्चन के आपको आंसर जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ।